मैं सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के मित्रों का अभिनंदन करता हूं कि आपने गुजरात की एक बहुत बड़ी सेवा की है। और गुजरात के इस विरासत में एक नया आयाम इस डीवीडी के माध्यम से जुड़ेगा। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास को सही स्वरूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तय करके लिए रखा है कि भारत की इस महान विरासत को उसके सही स्वरूप में लोगों तक जाने ही न दिया जाए। और उसके पीछे दो प्रमुख कारण है। एक वर्ग ऐसा है जो आज भी गुलामी की मानसिकता से उभर नहीं पाया है, और दूसरा वो वर्ग है जिनके लिए हिंदुस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, उनके लिए देश 1947 में ही पैदा हुआ है। और ऐसे लोगों ने इरादतन भारत की इस महान विरासत को जितना हो सके उतना नुकसान करने की कोशिश की। लेकिन इन सब के लाख कोशिशों के बावजूद भी सत्य तो कभी न कभी दिए की तरह प्रकाशित होकर ही रहता है और हो रहा है और आगे भी होने वाला है। हमारे देश में कई महापुरुष ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन अनुचित हुआ है, उनको विवादों के घेरे में डाला गया है, उनकी हर बात को अपने एक सीमित दायरे में देख करके हमेशा उनको नकार दिया गया है। हमारे देश का एक दूसरा दुर्भाग्य रहा है, इस देश के कई महापुरुषों ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अपना जीवन खपा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक अस्पृश्यता को अधिक बल देते थे। अरे, राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार होने वालों में वीर सावरकर जी का नाम प्रमुख है। देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जीने मरने वाले लोग उनकी अमानत होते हैं। उनका जीवन, उनके हर घटना, उनका त्याग, उनका तपस्या वो पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहती है। लेकिन देश में विरासत का भी बंटवारा हो रहा है। जिस युग में बुद्ध हुए होंगे, महावीर हुए होंगे, आदिशंकर हुए होंगे, विवाद होंगे, उस कालखंड के लोगों ने विवाद किए होंगे,
आज हर किसी को बुद्ध भी अपना लगता है, महावीर भी अपना लगता है, आदि शंकर भी अपने लगता है। उस काल में हुआ होगा, उस समय के अंदर विचार भेद हो सकते हैं, लेकिन विरासत में विचार भेद को तवज्जो देकर के ऐसे जीवनों को नकार देना भावी पीढ़ी को कभी प्रेरणा नहीं देता है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में सुधीर फड़के जी ने कितना बड़ा साहस किया था, यह कठिन काम था। विदेशों में शूटिंग करना था, पाउंड और डॉलर में पैसे चाहिए, और मैं उनके साथ उस समय काफी निकट था। मैं भली भांति उनकी कठिनाइयों से परिचित था, और शायद सुधीर फड़के जी का नाम देते बहुत लोगों को ध्यान में नहीं आएगा कि ये कौन सुधीर फड़के जी की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके कान पर जब ज्योति कलश चल के गीत गूंजता है, वो गीत सुधीर फड़के जी की इस देश को देन थी। वो ऊंचाई के वो व्यक्ति थे, और उन्होंने सावरकर की फिल्म बनाने का सपना चुना था। वो जीवन भर सावरकर जी के जीवित रहे तब तक उनके साथ रहे, और जीवन भर उस विचार को लेकर वो काम करते रहे। हिंदुस्तान में दो प्रकल्प ऐसे हैं जिसको विशेष माना जाएगा। एक कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बना, और दूसरा ये वीर सावरकर जी की फिल्म है। ये दोनों प्रकल्प ऐसे हैं जो सामान्य नागरिकों से दान में धन इकट्ठा करके किए गए हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लोगों ने दान दिया, और उसमें से फिल्म बनी है। और आज भी, और मैं आग्रह करूंगा कि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान को ताकत देने के लिए भी हम अधिक मात्रा में इस डीवीडी को खरीदें और लोगों को खरीदने की प्रेरणा भी दें, क्योंकि आर्थिक पहलू भी महत्व होता है। भाई बहनों, सावरकर जी का गुजरात के साथ नाता रहा था। उनके एक भाई साबरमती की जेल में थे, बाबूराज सावरकर। 1937 में जहां पहला हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष वीर सावरकर जी की थे। और भाइयों बहनों, उस कल्पना को देखिए, उस दृश्य की जरा कल्पना कीजिए। हम रामायण का प्रसंग सुनते हैं, उस प्रसंग की आज भी चर्चा होती है कि जब प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या छोड़कर के लिए वनवास के लिए जा रहे थे, सारी अयोध्या नगरी में लोगों की आंख में आंसू थे, और वे अपने पितृ वचन के पालन के लिए निकल पड़े थे। कभी किसी ने सोचा होगा कि उस समय उर्मिला की क्या मनस्थिति होगी? कभी किसी ने सोचा होगा? लक्ष्मण जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी वहां दूर सजल नेत्रों से दूर से विदाई दे रही है। आप उस दर्श की कल्पना कीजिए। भाइयों बहनों, जब मैं सावरकर जी के जीवन को पढ़ता हूं, मुझे वो दृश्य याद आता है कि जब एक नौजवान शादी होने के बाद परिवार के सपनों को पूर्ति के लिए बैरिस्टर बनने के लिए विदेश की धरती पर जाता है, बैरिस्टर बन के आएगा, पूरे परिवार के आंश मान शान बन जाएगा, ये सपना हर एक ने देखा होता है। और उस सावरकर जी की पत्नी ने तो कितने सपने संजोए होंगे, जब पति ब्रिटिश लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करते होंगे, कितने सपने देखे, और कितना इंतजार होगा जब बैरिस्टर बन के वापिस आएंगे तब किस किस प्रकार से स्वागत करने का उनकी पत्नी के हृदय में भाव जगते रहेंगे। और तब जाकर के
कल्पना कीजिए जब वीर सावरकर जी को हथकड़ियों से बांध करके पैर में बेड़ी लगा करके हिंदुस्तान के समुद्र तट पर लाया जाए और ट्रेन से वो जब गुजरते थे अंडमान के लिए ले जाया जा रहा था और रेलवे स्टेशन पर वीर सावरकर की पत्नी दूर से सगल नेत्रों से देखती थी कि जिस पति को बैरिस्टर बनने के लिए विदाई दी थी जो बैरिस्टर बनने के बजाय आज जीवन भर के लिए 50 साल की सजा हो चुकी थी, क्या बीती होगी उस मां पर कोई कल्पना कर सकता है? क्या ये घटनाएं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को प्रेरणा नहीं दे सकती है? लेकिन उसे भुला दिया जाता है। कुछ चंद लोगों की भलाई के लिए हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास को नकाम दिया जाता है। हमारी गुलामी की मानसिकता कैसी थी? 1857 का स्वतंत्र संग्राम, पूरा हिंदुस्तान एक बनकर के अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया था। भारत के स्वाभिमान की लड़ाई का एक स्वर्णिम पृष्ठ था। लेकिन उसी गुलामी की मानसिकता के लोगों ने क्या कहा था? और आज भी कुछ लोग गलती से भी बोल देते हैं 1857 में पर वो, और उसके खिलाफ सावरकर जी ने जीवन भर जंगे छेड़ा। उन्होंने कहा यह शब्द उचित नहीं है, यह स्वातंत्र संग्राम था। और जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली जब था, 50 साल पूरे हुए थे, तब सावरकर जी लंदन में थे और लंदन के इंडिया हाउस में 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली का अवसर मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। वहां के देशभक्त भारतीयों को इकट्ठा किया था। शाम जी तो सबरमा वहां मौजूद थे, वीर सावरकर जी मौजूद थे, मदन लाल धीरा मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि देशभक्ति की ललक कैसी हो, और इतिहास के प्रति कितनी सजगता होगी। और अंडमान निकोबर की जेल में क्या यातनाएं हुई। और ये भी देखिए, एक ही जेल में दो भाई मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था कि दोनों भाई एक ही जेल में हैं। मिलने तक नहीं दिया जाता, कितना जुल्म रहा होगा। और ऐसे समय भी एक जुझारू मन, देशभक्ति में डूबा हुआ मन कभी भी अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं था, लिखने के लिए कुछ नहीं था। अंडमान निकोबार की वो 6x6 की कोठड़ी, उसकी दीवारों पर सावरकर जी नित्य नई कविताएं लिखते थे, उसको मुखपाठ करते थे। 10,000 से ज्यादा पंक्तियां उन्होंने लिखी दीवार पर, तो आज भी उत्तम साहित्य के रूप में माना जाता है। क्या ताकत होगी उस व्यक्ति के अंदर, क्या सामर्थ्य होगा उस व्यक्ति के अंदर। और भाइयों बहनों, रत्नागिरी के अंदर दलित उद्धार के लिए सावरकर जी दलितों को लेकर मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने जीवन का काफी हिस्सा दलित उद्धार के लिए खपा दिया था, लेकिन उस बात को भी भुला दिया जाता है। 1938 में सावरकर जी बड़ौदा आए थे, माणिकराव का अखाड़ा, वहीं पर सावरकर जी का सार्वजनिक भाषण था। सर सयाजीराव गायकवाड़ सावरकर जी का भाषण सुनने के लिए दूर अपनी गाड़ी में बैठ करके सावरकर जी का भाषण सुनने के लिए गए थे 1938 में, और उस भाषण से प्रभावित होकर के दूसरे दिन सयाजीराव गायकवाड़ ने सावरकर जी को अपने यहां बुलाया और 1.5 घंटे तक दलित उद्धार इसी एक विषय पर चर्चा की थी। ये सावरकर जी का जीवन, आज भी सावरकर जी के किसी भी विषय को पढ़ेंगे,
आपको पता चलेगा हम जो आज हिंदुस्तान में जितनी कठिनाइयां झेल रहे हैं ना, उनको उस समय दिखती थी कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होने वाला है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होने वाला है। भाइयों बहनों, जब तक कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, जब तक कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ता था। इतिहास गवाह है 1957 का स्वातंत्र संग्राम, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, 1857 का स्वातंत्र संग्राम पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एकता के साथ वो लड़ा गया जंग था, और वो लड़ा गया आखिरी जंग था, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस का जन्म हुआ। और तब से लेकर आज तक जो कथा चल रही है, हम भली भांति जानते हैं जिम्मेवार कौन है। जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था, ये रोग हमारे देश में नहीं आया था, ये रोग कांग्रेस के जन्म होने के बाद है। भाइयों बहनों, सावरकर जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज हम जो स्वतंत्रता का सांस ले रहे हैं, उसके पीछे सावरकर जी का बलिदान है, ऐसे महापुरुषों का बलिदान। लोकमान्य तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को चिट्ठी लिखी थी कि मैं इस नौजवान को भेजना चाहता हूं, आप उनकी शिक्षा दीक्षा स्कॉलरशिप की कुछ व्यवस्था करें। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक नियम रहता था कि हिंदुस्तान से ऐसे जो ब्राइट नौजवान थे, उनको वो स्कॉलरशिप देकर के लंदन बुलाते थे, और वो अधिक अच्छी पढ़ाई करें उसके लिए उनकी मदद करते थे, लेकिन एक नियम रखते थे कि ये पढ़ने के बाद कभी भी अंग्रेजों की सेवा नहीं करेगा, ये नियम रहता, उनकी नौकरी नहीं करेगा। और उस समय में और अंग्रेजों की नाक के नीचे लंदन में ऐसा नियम बनाने वाला कितना ही ताकत रखता होगा, तब जाके ऐसा नियम बनाता होगा। और वो नौजवान आजादी जंग का सैनिक बनेगा, और लोकमान्य तिलक जी के कहने पर सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने मदद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस बनाया, जो इंडिया हाउस अंग्रेजों के नाक के नीचे आजादी के आंदोलन का एक सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया था। प्रदेश के इतिहास को कैसे भुला दिया जाता है, उसका एक दूसरा उदाहरण श्यामजी कृष्ण वर्मा। जीवन भर स्वातंत्र सेनानियों को, सशस्त्र क्रांतिकारियों को मदद करना, प्रेरणा देना, बल देना, यही उनका काम रहता था। वही तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जिन्होंने मदनलाल धींगरा से कहा था कि आप कर्नल वाईपी का हिसाब चुकता करो, और वही इंडिया हाउस में कर्नल वाई को मारने का काम मदनलाल धींगरा ने किया। फांसी पे चल गए, यह ताकत श्यामजी कृष्ण वर्मा की। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ, और वो लिख करके गए थे कि मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि संभाल के रख ली जाए, मैं जीते जी तो स्वतंत्र भारत के दर्शन नहीं कर पाया हूं, मैं जीते जी स्वतंत्र भारत की उस हवा का झोंका मेरे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मेरे मरने के बाद जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हो, तब मेरे अस्थि उस स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाए जाए। ये इच्छा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1930 में व्यक्त की थी, 30 में उनका स्वर्गवास हुआ। देश की आजादी के लिए जीने वाले इस व्यक्ति की कथा देखिए। 1947
27 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराने के बाद 16 अगस्त को पंडित नेहरू का पहला काम यह होना चाहिए था कि एक प्रतिनिधिमंडल को वो भेज देते विदेश और श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थि लेकर के हिंदुस्तान आते और उस वीर पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। नहीं किया। इतना ही नहीं, 73 साल तक 73 ईयर्स ये अस्थि जिनेवा में इंतजार करते रहे कि कोई भारत मां का लाल आएगा और मेरे अस्थि स्वतंत्र हिंदुस्तान में ले जाएगा। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मुझे मिला। मैं 2003 में जिनेवा गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा का अस्थि अपने कंधे पर उठा करके ले आया और आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, समय निकाल करके कच्छ जाइए, कच्छ में श्यामजी कृष्ण वर्मा के जन्म स्थान मांडवी जाइए और हमने मांडवी में वैसा ही इंडिया हाउस का निर्माण किया है जैसा लंदन में था जहां से आजादी को लड़ाई पूरा का पूरा वैसा ही रीति का बनाया है और वहां पर देश के क्रांतिकारियों का स्मरण करता हुआ एक क्रांति तीर्थ बनाया है। आप जाइए, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी, वैसा ही स्थान खड़ा किया है। और मैं मानता हूं हर देशभक्त भक्ति में डूबे हुए लोगों ने परिवार के साथ जाकर के अपने बच्चों को आधे दिन वहां रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे जिंदगी लोग जीते थे। ये काम किया हमने। मेरा ये भी आग्रह रहता है कि कभी अंडमान निकोबार की जेल भी देखनी चाहिए। आजादी के लिए जूझने वाले जीने वाले लोग किस प्रकार से यातनाएं झेलते थे, किस प्रकार से यातनाएं झेलते थे। और इसलिए आज के युग के अनुकूल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सही इतिहास को हिंदुस्तान की जनता और नई पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास जो हुआ है वो अवश्य ही इतिहास के प्रति न्याय तो होगा ही होगा लेकिन भावी पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रतिष्ठान के सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, फिर एक बार स्मरण करता हूं स्वर्गस्थ श्रद्धेय सुधीर फड़के जी ने जो इस विरासत हमारे हाथ सौंप करके गए हैं। इस विरासत को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। एक ऐसे अवसर पर और आज सावरकर जी का जन्मतिथि भी है, मुझे आप सबके बीच उस पुण्य स्मरण का सौभाग्य मिला, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज भी उन विचारों का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कल था, जितना कि आने वाले कल रहने वाला है। इसी एक श्रद्धा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।